Hello everyone, welcome to Learn On. This is Akash Suryavanshi. दोस्तों आज तक हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक स्टडी किया है और आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो बेहतरीन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर बहुत ही डीप में और अच्छी तरह। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल लर्न ऑन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स और शुरुआत करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल से। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें रोटेटिंग सर्किट या फिर पार्ट्स नहीं है। तो ये स्टैटिक डिवाइस है और इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ दो वाइंडिंग्स होती है और एक मैग्नेटिक कोर होता है। तो वाइंडिंग्स में एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और वो सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। मतलब देखिए, ये प्राइमरी को हमने सोर्स लगाया है यानी कि सप्लाई दिया है, तो वो यहाँ पे वाइंडिंग में जाएगा करंट और फ्लक्स जनरेट करेगा और वो फ्लक्स ये मैग्नेटिक कोर जो है वो इस फ्लक्स को फॉरवर्ड करेगा यानी कि ट्रांसफ़र करेगा। तो फ्लक्स क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये कोर प्योरली मैग्नेटिक होता है विद लो रिलक्टेंस। तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक हो जाते हैं और एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो फ्लक्स सेकेंडरी में आते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के अनुसार जब ये लिंक होते हैं तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम E2 कहते हैं। तो ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और फिर जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग एक क्लोज सर्किट होगा तो उस वक्त इस वाइंडिंग से करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि पावर इज ट्रांसफर्ड, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है और जब ये सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी फ्लो हो जाएगा यानी कि पावर डेवलप हो गई है। तो सेकेंडरी में ऐसे पावर ट्रांसफर हो जाती है और वो पावर कौन सी होती है, जो हमने प्राइमरी में गिवन की है, तो ये पावर सेकेंडरी तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स बोल के और ऑप्शन आते हैं पावर, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी। तो अब बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स पावर कर जाते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर्स पावर होता है और जो ट्रांसफॉर्म होता है वो वोल्टेज या फिर करंट होता है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज या फिर करंट को ट्रांसफॉर्म करता है और पावर को ट्रांसफर करता है, इतना ध्यान में रखिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब उसकी वैल्यू अप और डाउन होता है। तब वोल्टेज प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी में अप हो जाता है या फिर डाउन हो जाता है, तो इसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। आप सब जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज ज़्यादा करता है, मतलब बढ़ाता है सेकेंडरी में, और स्टेप डाउन का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। और जब वोल्टेज अप होता है तब करंट डाउन होता है, इतना ध्यान में रखना। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर ने अपना काम तो कर दिया लेकिन इसमें होता क्या है, पावर कांस्टेंट रहती है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, वोल्टेज एंड करंट अप और डाउन होते हैं, जो जिस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है उस हिसाब से। और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट ही रहती है, प्राइमरी टू सेकेंडरी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस एंड इट ट्रांसफॉर्म
कॉन्स्टेंट पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी और विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर मैचिंग, ये भी एक पॉइंट है जो एग्जाम्स में 80% 90% तो आता ही आता है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन जो है या फिर यह फॉर्मूला जो है इसे रट लीजिए, इसी पे ही प्रॉब्लम आता है, इसके आगे वो कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर मैचिंग होता क्या है, देखिए, इफ द लोड इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव देन द इम्पिडेंस रिफ्लेक्टेड ऑन प्राइमरी साइड इज ऑल्सो रेजिस्टिव, ये रेजिस्टिव है सॉरी, मतलब देखिए जब हम यहाँ लोड में यहाँ एक लोड कनेक्ट करेंगे और वो लोड जब प्योरली रेजिस्टिव होगा तो प्राइमरी इम्पिडेंस जो होगा वो भी प्योरली रेजिस्टिव ही होगा, और जब वो लोड रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव मतलब इंडक्टिव और कैपेसिटिव होगा, देन प्राइमरी इम्पिडेंस ऑल्सो रिएक्टिव। तो ये होता है ट्रांसफार्मर मैचिंग। अब ये फॉर्मूला क्या दिया है, देखिए जेड पी अपॉन जेड एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस होल स्क्वायर। अब जेड पी मतलब प्राइमरी इम्पिडेंस एंड जेड एस मतलब सेकेंडरी इम्पिडेंस, एन पी प्राइमरी टर्न्स एंड एन एस सेकेंडरी टर्न्स। तो देखिए क्या होता है एग्जाम्स में, जेड पी बाय जेड एस इज इक्वल टू एन पी बाय एन एस होल स्क्वायर। तो एग्जाम में क्या करते हैं, इन चार में से कोई भी तीन पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन होती है और हमें चौथी फाइंड आउट करनी होती है। ये 80% चांसेस होते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई लेवल के या फिर एई लेवल के, वहाँ एक प्रॉब्लम देखा जाता है। तो इन चारों में से कोई भी एक अननोन होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल का मतलब बट आइडियल, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो, मतलब लॉसेस अब नहीं होंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, नो लॉसेस दैट इज नो ओमिक रेजिस्टेंस, मतलब आई स्क्वेयर आर लॉसेस नहीं होते। ये लॉसेस क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा इन डिटेल। एंड नो मैग्नेटिक लीकेज, मतलब सैचुरेशन नहीं होता है, जो कोर होता है मैग्नेटिक कोर उसमें सैचुरेशन नहीं होता है, सो नो कोर लॉसेस और नो आयरन लॉसेस। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए आइडियल का, इट कंसिस्ट टू प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स वाउंड ऑन ए लॉस फ्री कोर। अब प्योरली इंडक्टिव कॉइल्स है दो, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, और वो क्या कहाँ पे प्लेस वाउंड किए हैं, लॉस फ्री कोर। अब लॉस फ्री कोर मतलब क्या है, तो देखिए ये जो कोर है ये आयरन कोर है, मतलब इसका जो मटेरियल है वो आयरन है या फिर सिलिकॉन स्टील भी होता है, लेकिन हम उसे बोलते हैं आयरन कोर। और जब हम एयर कोर्ड कॉइल यूज करेंगे, तब देखिए एक कॉइल है, ये हो गई एयर कोर्ड, और इसमें अगर हमने आयरन प्लेस किया तो ये हो गया आयरन कोर। सो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एयर कोर होता है, मतलब वो लॉस फ्री होता है, उसमें लॉसेस नहीं होते हैं। और जब हम आयरन कोर यूज करते हैं तो वहाँ पे लॉसेस होते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और जब आयरन एयर कोर दिया जाता है तो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर विद नो लॉसेस। नो लॉसेस मतलब नो लॉसेस मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब जितना इनपुट हम दे रहे हैं उतना आउटपुट हमें मिलेगा, इफिशियंसी 100%। ओके नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक वाइंडिंग्स और दूसरा मैग्नेटिक कोर। तो अब उनका मैग्नेटिक कोर और वाइंडिंग की जो एक प्रोसीजर होती है उनको प्लेस करने की, उस प्रोसीजर से हमें दो टाइप्स मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के, एक होता है कोर टाइप, दूसरा होता है शेल टाइप। तो पहले देखिए कोर टाइप में क्या होता है, ये कोर टाइप दिया है हमें, इसमें क्या है, ये जो कोर है ये कोर पे वाइंडिंग हमने वाउंड की है, मतलब वाइंडिंग सराउंड्स कोर और कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग होता है कोर में। और वही शेल में देखिए, और देखिए एक मिनट, ये जो होते हैं इसे हम लिम्ब कहते हैं,
इसे हम लिम कहते हैं, LIMB, ओके लिम। और ये जो है ये होता है योक, ओके इतना ध्यान में रखिए। तो अब कोर में क्या होता है, वाइंडिंग सराउंड्स कोर, या फिर कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। और शेल में क्या होता है, ये यहाँ पे वाइंडिंग दी गई है और ये कोर है हमारा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोर ने वाइंडिंग को सराउंड किया है। सो शेल में क्या कह सकते हैं, वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय कोर, या फिर कोर सराउंड्स वाइंडिंग। और कोर में क्या है, वाइंडिंग सराउंड्स कोर, और कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। इतना ध्यान में रखिए, लिख नहीं सकता यहाँ पे लेकिन ध्यान में रखिए। एक बार और बताता हूँ, फॉर कोर टाइप, कोर टाइप में क्या होता है, वाइंडिंग सराउंड्स कोर और कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। एंड शेल में क्या होता है, कोर सराउंड्स वाइंडिंग और वाइंडिंग सराउंडेड बाय कोर। ठीक है, तो अब देखिए जब हम कोर टाइप यूज करते हैं तो जब हमें ये वाइंडिंग रिप्लेस करनी होती है, वाइंडिंग रिप्लेस करनी होती है, तब हम ये ऊपर का हिस्सा निकाल के वाइंडिंग रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इजी है कोर टाइप में। लेकिन अगर वही शेल टाइप में देखा जाए तो वाइंडिंग रिप्लेस करना थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये शेल टाइप में वाइंडिंग रिप्लेस करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए शेल टाइप में हम सिर्फ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग ही यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ हमें हाई वोल्टेज पे काम करना होता है तब हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पे एक मैं साइन वेव निकलता हूँ, तो ये है साइन वेव और ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। तो ये पीक वैल्यू किस टाइम पे आती है, ये पूरा टी हो गया, ये हो गया T/2 और ये हो गया T/4, मतलब 1/4 ऑफ साइकिल पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स मिल जाता है। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 5m/1/4f। 4f क्यों, क्योंकि 1/4 पे हमें 5m की वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 5m/1/4f। तो ये क्या हो गया, 4f 5m गिवन इन वोल्ट्स और वेबर पर सेकेंड। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न मीन्स इंड्यूस्ड EMF इन वोल्टेज इन वोल्ट्स। तो इंड्यूस्ड EMF भी क्या हुआ, 4f 5m, या फिर 5m है, मिस हो गया है। फोर एफ 5m है, ओके। तो अब ट्रांसफार्मर AC पे वर्क होता है तो हमें RMS वैल्यू में रिप्रेजेंट करना होगा। तो RMS वैल्यू क्या है ऑफ EMF पर टर्न, क्या हो जाएगी, फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, 1.11, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ EMF पर टर्न 4f 5m। तो ये क्या बन जाएगा, 4.44f 5m हो गया। क्या हुआ, क्या मिला, RMS वैल्यू ऑफ EMF पर टर्न। तो अब EMF जो इंड्यूस हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग पे और सेकेंडरी वाइंडिंग पे अलग अलग हो जाएगा एज पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दैट वाइंडिंग। तो RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग, जब हमें प्राइमरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF निकालना होगा तो हमें कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड EMF पर टर्न RMS वैल्यू लेंगे इनटू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो इसको हम प्राइमरी टर्न से मल्टीप्लाई जब करेंगे, किसको, RMS वैल्यू ऑफ EMF टर्न्स को, तो हमें RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग मिल जाएगा। तो E1 हो गया 4.44f(n1)(5m). सिमिलरली फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग हमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा, तो N1 की जगह N2 हो जाएगा, बस बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। और अब हम जानते हैं
फाइव एम इज इक्वल टू बी एम इन टू एरिया होता है। फाइव एम मतलब मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर एंड बी एम इज फ्लक्स डेंसिटी एंड ए इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो फाइव एम की जगह बी एम इन टू ए भी हम पुट कर सकते हैं। जो वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में उस हिसाब से हमें ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। जब हमें मैक्सिमम फ्लक्स वैल्यू गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब फ्लक्स डेंसिटी गिवन होगी और एरिया गिवन होगा तब हम ई वन इज इक्वल टू 4.44 F n1 bm इन टू एरिया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया ई एम एफ इक्वेशन। दिस इज ई एम एफ इक्वेशन फॉर प्राइमरी साइड एंड दिस इज फॉर सेकेंडरी साइड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट पार्ट, सॉरी अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्न ऑन को। और अगर आपको डाउट्स हो कौन सी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कहीं से भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हमें डाउट पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे क्विज भी स्टार्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस क्विज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।